छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तरफ से परसा कोल ब्लॉक में खनन को मंजूरी देने के बाद इस क्षेत्र से लगभग 4.5 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। अपने जंगल को बचाने खनन के खिलाफ लामबंद हसदेव अरण्य के आदिवासियों को पूरी दुनिया से समर्थन मिलने लगा है। सरगुजा की परसा खदान के प्रभावित होने वाले हरिहरपुर गांव में पिछले कई महीनों से आदिवासियों का धरना जारी है। खदान से प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयला खनन परियोजना को फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर आगे बढ़ाया है। इसे लेकर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। हसदेव एक नदी का नाम, इसलिए उस जगह का नाम हसदेव रखा गया है। हसदेव अरण्य एक ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ के पूरे जितने भी उत्खनन है, मतलब जितने भी कोयला के खदाने हैं, उसका 10% कोयला खदान उस जगह में है। और वो नो गो एरिया घोषित किया गया। नो गो एरिया इसको बोलते हैं जो हमें हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित रखा जाता है, उसमें उत्खनन नहीं किया जाता है, वहां पर वन सलाहकार समिति को गठित किया जाता है, वो उसकी देखरेख करती है। उस वन सलाहकार समिति के बगैर, उस सलाह लिए बगैर, उनके कंसेंट लिए बगैर उदयपुर में राज्य सरकार के अधिकारी और हमारे जो उत्खनन जो जिन्होंने लिया है अडानी जो, उनके बीच में करार होता है। उस जो कंपनी है वो उसमें अडानी ग्रुप का 76% है और बाकी 24% राजस्थान का है। तो ये जो करार हुआ है वो ये ऐसा करार नहीं होना चाहिए था। कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ आप अवैध कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करार आप एक रेस्ट हाउस में जाके कर रहे हैं, रातों रात कर रहे हैं, आप परमिशन दे रहे हैं। उसके खिलाफ जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वहां पर बैठे हुए हैं और ये आज से नहीं महीनों से चल रहा है, उसको नहीं देना चाहिए था। इसीलिए हमारे आदिवासी भाई बहन पैदल चल के हमारी राज्यपाल महोदय सुइया उइके के साथ भेंट किए। इस वजह से ये हसदेव का जो आंदोलन है वो चल रहा है। उससे यकीन मानिए कि हमारे पर्यावरण को, हमारे वनस्पतियों को, हमारे 2.5 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे और वन पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक लेमरू प्रोजेक्ट आपने सुना होगा जो हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि हाथी दूसरे रिहायशी इलाकों में न जा सके। उससे जो लेमरू प्रोजेक्ट है उसका जो एरिया है वो भी कम होगा और उसके कारण वो रिहायशी इलाकों में जाएंगे, गरीबों की जान माल की नुकसान होगा। पहले ही 300 जो बेचारे हमारे छत्तीसगढ़ वासी हैं वो हाथी के जरिए मारे जा चुके हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और इसका न सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा असर होने वाला है, इसलिए दूसरे राज्यों में भी इसका प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हमें इसका, इस आंदोलन का, इस धरने का एक हिस्सा बनना चाहिए। उसके लिए वहां पर जाने की जरूरत नहीं। आज हम जागरूक कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे कोई माध्यम है तो उसके जरिए हम बिल्कुल जागरूक कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ होने का, छत्तीसगढ़िया होने का और भारतीय होने का दायित्व अदा करना।